मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच अधिकार और हिस्सेदारी को लेकर घमासान मचा है। दोनों के आरोप प्रत्यारोप से उठे बवंडर में जेडीयू लहूलुहान हो गई है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार के सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने हलचल मचा रखी है। पिछले कई दिनों से चल रहा यह प्रकरण अब अपने चरम पर है। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि वो अपने बेटे की कसम खाकर कहें कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से जेडीयू में आए थे या फिर नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चंद व्यक्तियों के जरिए हैंडल किए जा रहे हैं और अगर यही आलम बना रहा तो जेडीयू पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री। बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा। ये अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है। ज़्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा आदरणीय मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने इतनी बड़ी बात कही तो इस पे सियासी प्रतिक्रिया आनी लाजिमी थी। चिराग पासवान ने कह दिया कि अब जेडीयू में कुछ नहीं बचा। तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया, ऐसे में अब उस पार्टी के अस्तित्व की बात करना ही बेमानी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने जब मान लिया है कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे तो ऐसे में जेडीयू का भविष्य पूरी तरह से खत्म है। अरे क्या राजनीति हो रही है बिहार में, सबको एक अपना ही उसमें है। हकीकत में ये सारे विषय पार्टी गठबंधन के भीतर के विषय हैं सुलझाने के लिए। बिहार की अपनी ज्वलन विषय है, अपनी ज्वलन समस्याएं हैं चर्चा करने के लिए। चिराग जी क्या लग रहा है, जदयू कमजोर हो रही है? जदयू में बचा क्या भाई? अब जिस पार्टी के नेता जब वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लेते हैं तो ऐसे में उस पार्टी का अस्तित्व बचता कहाँ है? कल को नीतीश जी के मुख्यमंत्री जी के बाद उन्होंने तो इस बात को कबूल कर ही लिया कि कोई दूसरे दल का नेता उनका उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य पूरी तरीके से समाप्त है। तो जिस पार्टी का भविष्य नहीं उसका वर्तमान में बचेगा क्या? सही बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की। उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला, विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन जेडीयू अभी भी मजबूरी बस कुछ बोलने में हिचकिचा रही है। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता अपनी प्रतिक्रिया देने सामने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी जेडीयू और महागठबंधन के अंदर हैं, इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर कोई बात भी होगी तो उसको उसे लेकर भी बात होगी। वहीं सुधाकर सिंह को लेकर भी जेडीयू की तरफ से कहा गया कि उन्हें 15 दिनों का नोटिस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और जवाब का इंतजार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के अंदर है, इसलिए हमारा उन पर कोई भी टिप्पणी करना वाजिब नहीं है और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। वैसे राजनीति है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी व्यक्ति को संजीदगी के साथ, विश्वास के साथ, सैद्धांतिक आधार पर राजनीतिक स्थिरता व्यक्तित्व में होनी चाहिए, तभी लोगों का भी जुड़ाव उनसे रह पाता है परमानेंटली। और नहीं तो लोग भी समझते हैं कि हम इनके चक्कर में कहाँ कहाँ जाएं और उसके बाद लोग उनको छोड़ देते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यदि कोई और बात होगी तो फिर उसके बाद बात। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है?
नहीं नहीं, बात इस सवाल क्यों बार बार किया जाता है कि सुधाकर सिंह पर जो नोटिस गया है अभी तक जो कार्रवाई की बात है, नोटिस के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। पर फिर नीतीश कुमार, आप हमको एक बात बताइए कि जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार चलें कि आपके सवाल के अनुसार चलें? पार्टी के संविधान में है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनके जवाब का इंतजार करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाए, क्यों इतना बेचैन है? अरे पहले भैया ने बताइए कि 15 लाख रुपया का क्या हुआ, 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि विपक्ष के साथ साथ उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों की तरफ से हैंडल किया जा रहा है या बरगलाया जा रहा है। ऐसे में अब अंतिम परिणति क्या होती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हमले बोल रहे हैं और पार्टी उन पर कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में बिहार की जनता भी सोच रही है कि आखिर जेडीयू की ऐसी क्या मजबूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की छाती पे मूंग दल रहे हैं। पटना से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए राजीव कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।